जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सुल्तान ग्रुप टुडे वीडियो। आज की वीडियो में हम सुल्तान ग्रुप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी टैगलाइन से ये क्लियर हो जाता है, मैं टैगलाइन जो है वो रिपीट कर देता हूँ, वी मेक बिजनेस इजी फॉर एवरीवन। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोर देन 6 डोमेन्स एस्टैब्लिश हैं जिसमें आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं। आपको टारगेट प्रोडक्ट सोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप हमारे से कांटेक्ट करें, उस डोमेन से रेलिवेंट हम आपको प्रोडक्ट भी सोर्स करके देंगे और OEM फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। इसको फर्दर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब राइट साइड पे हमारा इंटरनेशनल लोगो है जो पाकिस्तान में, UAE में, अमेरिकन साइड पर ये वर्केबल है। लेफ्ट साइड पे ज़ोकियो इज़ आवर ब्रांड नेम विच इज़ गिवन बाय द चाइनीज़ हेल्थ मिनिस्ट्री। अब से लास्ट मंथ ये हमें जो है वो अलॉट कर दिया गया है चाइनीज़ हेल्थ मिनिस्ट्री से। अब से जिस जगह पे भी आप सुल्तान ग्रुप का लोगो देखेंगे, ज़ोकियो साफ ब्रांड नेम अवेलेबल होगा। दिस इज़ कंपनी ब्रीफ हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट डिटेल। वी एस्टेब्लिश कंपनी इन अगस्त 2014। Company name belongs to our CEO, great grandfather. His name is Baba Sultan. So that is why he planned to give a company by his name, Sultan Group. This is one of the compliment given by the Australian partner. Next, हम company branches को discuss करेंगे। जैसा कि पूरे वर्ल्ड में चाइना एपी सेंटर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, इंपोर्ट विद इन द चाइना बहुत डिस्करेज किया जाता है। हम पाकिस्तान में 80% बिजनेस चाइना की इंपोर्ट से चला रहे हैं, जिसमें मेनली हम डील करते हैं बायोलॉजिकल सप्लाईज, टेक्सटाइल में मशीनरी एंड इट्स रिलेटेड कंज्यूमेबल्स। थर्ड इज़ प्रोडक्ट सोर्सिंग, के बहुत सारे भाई ऐसे हैं या कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें चाइना से प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है, बट उनके पास या तो डायरेक्ट सोर्स नहीं होता चाइना में या पाकिस्तान में उन्हें प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती। तो इसमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सुल्तान ग्रुप इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। जस्ट लेट अस नो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सोर्स करना है, हम आपको कम्प्लीट हेल्प आउट करेंगे। यूनाइटेड किंगडम्स में हमने कंपनी अपनी अमेजोन और ईबे को सोर्स करने के लिए जो है वो इस्टेब्लिश की है। कि अब तो क्योंकि अमेजोन पाकिस्तान जो है उसकी सेलर लिस्ट में आ चुका है, इससे पहले जब पाकिस्तान उसकी सेलर लिस्ट में नहीं था तो हमें बड़ी मुश्किल होती थी उसको सोर्स करने के लिए। हम यूनाइटेड किंगडम से 5% बिजनेस कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इम्पोर्ट हो रही है हमारी कंपनी के हिसाब से। सऊदीया में हम ज़्यादा सीड से अर्न कर रहे हैं, लजवीद रिसर्च फॉर्म के साथ सीड का बिजनेस हमारा है। पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट हम सऊदीया में करते हैं एंड बायोलॉजिकल सप्लाईज वहाँ पे मदीना यूनिवर्सिटी एंड किंग सऊद यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल सप्लाईज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम पाकिस्तान। इसमें हम 15% जो है वो बिजनेस कर रहे हैं 100%। द मेन कंपनी पिलर is our CEO. He is PhD in chemical ecology and PI of more than 10 cross-border projects and determined to establish a worldwide company. The good thing is that molecular biology or wo companies jo Pakistan mein chemicals pe based karti hain, chemicals ki supplies pe, uski manufacturing pe, usme hamare CEO ki wajah se ye cheez badi prominent aur pioneer hai ki hum kisi bhi chemicals ko bade acche se understanding develop kar sakte hain aur uski manufacturing customization mein kam time required as compared to other companies. This is company families and you can say that the employees, Mr. Saqib Sultan, he is the head of chemicals and its related products. He is a senior citizen based in UK, Mr. Kadir Bajwa, handling import and export in UK. He is product sourcing head, Mr. Jack Liu, and Mr. Chung is loading and custom in charge in Saudiya, China, and as well as in UK branch. The local branch network. So, इस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है कि हमारी कंपनी ये साइंटिफिक बेस्ड कंपनीज है। अभी हमें इसमें बाकी डोमेन्स भी इस्टेब्लिश करनी है जो हमें पाकिस्तान में गैप्स फील किए कि हमें क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, चूँकि हम इस्टेब्लिश हैं और हमारे कॉन्टैक्ट्स जो है वो चाइना में और पाकिस्तान में
अच्छे डिवेलप। येलो कलर में जो मार्किंग आपको शो हो रही है, दिस इज आवर हेड ऑफिस बेस्ड इन बिहारी, एंड द रेड आर रेड कलर आर द ब्रांचेस, द फैसलाबाद ब्रांच वी कॉल्ड इट अल्फा, लाहौर ब्रांच इज द बीटा, एंड द इस्लामाबाद ब्रांच वी कॉल्ड एज द गामा। The services we are providing chemicals and reagents, उसमें priority पे हैं। जितने भी chemical byproducts आप इसमें antibodies भी आ जाती हैं, molecular biological supplies भी आ जाती हैं। The services we are providing इसमें chemicals and reagents, इसके byproducts, इसमें consumables, biological supplies भी हैं, primer and sequencing, इससे related services भी हम provide कर रहे हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग, ये इस पर नेक्स्ट मेरी वीडियोस जो है वो कुछ ही दिनों में आ रही है, ये कंप्लीट जो है वो एक चैप्टर है जिसको सेपरेटली जो है वो मैं चाहूँगा मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट्स मुझे रिसीव हुए हैं कि सेपरेटली इसे डिस्कस किया जाए, एलेबोरेट किया जाए। फिर फोर्थ इज फ्रेट फॉरवर्डिंग। अब फ्रेट फॉरवर्डिंग में समझने की ये चीज़ है कि किसी भाई ने या किसी कंपनी ने अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज कर ली है चाइना में, तो उसके लिए सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये होती है कि अब इस प्रोडक्ट को, मशीनरी को चाइना में से पाकिस्तान किस तरह लेके आया जाए। तो इसमें किसी भी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बेहतर ये है कि प्रोडक्ट सोर्स करने से पहले आप हमारे से कॉन्टैक्ट करें। लाइक अगर किसी ने शंघाई में कोई चीज़ बाय करनी है, तो उसको फिर लोकली फ्रेट पे करना पड़ेगा चाइना में फ्रॉम शंघाई टू ईवू, क्योंकि ईवू में हमारा जो है फ्रेट फॉरवर्डिंग का सारा बिजनेस चल रहा है कि आपको कोई भी चीज़ अगर हमारे थ्रू कस्टम क्लियरेंस करवानी है या आपको कैरिज चाहिए फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान, तो आपको वो चीज़ पहले ईवू भिजवानी पड़ेगी। तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि चूँकि चाइना एक बहुत बड़ी जो है वो मार्केट है, आप बजाय कि वो चीज़ शंघाई से बाय करें, आप चाचेंग प्रोविंस से बाय कर लें, हांजो से बाय कर लें, विच इज़ नियर टू ईवू, तो आपको लोकली जो चार्जेस हैं एडअप वो कम होंगे। टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में भी मेरी सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, मैं इस जो है वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में एड अप कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम इजीली वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वेटनरी प्रोडक्ट्स, हमारी वेबसाइट पे कंप्लीट कैटलॉग अवेलेबल है, आप एंड यूज़र हैं या आप ट्रेडर हैं, आप वो कैटलॉग चेक कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है आप इंक्वायरी प्लेस कर सकते हैं वाया ईमेल और व्हाट्सएप। अब इसमें जो है वो केस डिस्कशन में वो यूजुअली वो चीज़ें हम ऐड करते हैं जिस जगह हमने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, कि जब कोई शिपमेंट आप मंगवाते हैं, आप फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज हमसे ले रहे हैं या आप प्रोडक्ट सोर्सिंग है, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग के बाद एंड उसका यही है एंड रिजल्ट कि आपको वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है या किसी एक्स वाई जेड किसी और कंपनी कंट्री में रिक्वायर्ड है, तो एक एग्जैक्ट स्टेटस उसका बताना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है शिपमेंट का, कि हम आपको अगर जो है वो नंबर ऑफ डेज बता रहे हैं ऑन 25th डे और ऑन 35th डे योर शिपमेंट विल बी इन पाकिस्तान, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है कि आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है अपने एंड पे। आप ईमेल पे इंक्वायरी कर सकते हैं या हर दूसरे दिन इंक्वायरी, हर तीसरे दिन, उसमें हम एट 5th डे और आफ्टर 4th नाइट 15th डे पे हम स्टेटस ऑटोमेटिकली आपको शेयर कर देंगे, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपकी शिपमेंट का स्टेटस क्या है, किस जगह पे वेसल पहुंच गया विद इन द सी। सेकंड थिंग इज़, जब कोई बायोलॉजिकल सप्लाईज हमसे ऑर्डर करते हैं, तो ये क्वेश्चन उनकी एंड पे बनता है, शैल आई स्टार्ट माई एक्सपेरिमेंट बाई द एंड ऑफ दिस वीक। अगर कंपनी ये चीज़ एडमिट कर रही है कि येस वी विल डिलीवर योर स्टाफ बाई दिस वीक फ्राइडे इवनिंग, then you may plan your experiment after 1 week, तो उसमें delays की possibilities हैं। जब देखें कि जब कोई चीज़ पाकिस्तान कस्टम्स के पास आ जाती है, पाकिस्तान कस्टम्स क्योंकि अभी तक ऑनलाइन नहीं है, ये मैनुअल सिस्टम चल रहा है, इसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है कि चीज़ को विद इन द सेम डे क्लियर करवाया जाए, क्लियरेंस करवाया जाए। इसमें थोड़ा सा आप अपने प्लान एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसमें बाकी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, आपके रीएजेंट्स हैं, आपने जो वो प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट्स जो आपने प्लान किए हैं वो आपके ख़राब हो सकते हैं, टाइम वेस्ट हो सकता है, तो उसको एक हफ्ते जो है वो डिले कर लें जब हमने आपको डिलीवरी टाइम दी, ये ज़्यादा बेटर है फॉर द सेफ साइड। द थर्ड थिंग इज़, जो मैंने पहले अभी डिस्कस कर दी है,
कि अगर हम आपको क्लेम कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपकी शिपमेंट रिसीव हो जाएगी, देन यू मे प्लान योर एक्सपेरिमेंट आफ्टर 4 डे और आफ्टर 5 डेज फॉर द सेफ साइड. अब द फोर्थ थिंग इज, क्योंकि हम जो है वो इम्पोर्टर हैं, सोल इम्पोर्टर हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो हमसे चीज़ें बाई करते हैं. अब वो स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि मैं उन जो असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्च ऑफिसर्स को टारगेट नहीं कर रहा, यूजली स्टूडेंट्स की ये जो है वो मिस्टेक है कि दे वॉन्ट टू बिकम ओवर स्मार्ट विद अस और विद एनीबडी. वो करते क्या है कि कुछ चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं चाइना से या एक्स वाई जी कंट्री से. अब दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द कस्टम्स, व्हाट इज़ द डिक्लेयर वैल्यू. अब डिक्लेयर वैल्यू पे उन्हें कोई चीज़ कस्टम्स पे करनी है, कस्टमर अगर पे करने हैं कि उसका वे आउट क्या है, कितने दिन वो शिपमेंट होल्ड कर सकते हैं, ये एक जो है वो कस्टम्स की, पाकिस्तान कस्टम्स की कई कम्प्लीट एक डोमेन है. अब ज़्यादा बेहतर तरीके ये है कि हम इसमें कोई भी सर्विस चार्जेस नहीं लेते. मैं अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा यही कहता हूँ कि जब कोई आपसे रिक्वायर करे कि पाकिस्तान कस्टम्स को किस तरह हैंडल करना है, कि आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको सपोर्ट करें, बताएं कि कस्टम्स में डिक्लेयर वैल्यू आपने क्या लगानी है. इफ़ ही वॉन्ट्स और शी वॉन्ट्स टू बाय और इम्पोर्ट द थिंग्स बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ, देन सपोर्ट, इट्स बेटर टू सपोर्ट हिम कि वो खुद कोई मिस्टेक करें. एट दी एंड वो हमारे पास आते हैं कि हमें कस्टम्स कह रहा है कि पाकिस्तान आने के बाद आपके चार्जेस 70,000 बन रहे हैं, चार्जेस क्लियरेंस के 20,000 हैं, अब टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू 30,000 है, अब क्या किया जाए. तो माँ सिवाय उसको डंप करने की और कोई हल बाकी नहीं रह जाता. दिस इज़ द बेस्ट. तो कोई जो है वो किसी के कोलैबोरेटर ने कोई चीज़ भिजवाई है अगर फ़ौरन से, तो वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, आप कंसल्ट कर लिया करें, दिस इज़ बेटर. ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको जो है वो देना चाह रहा था. नेक्स्ट वीडियोस हम मैं अपलोड भी कर दूंगा मेरे चैनल्स पे, आती भी रहेंगी. तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें कि जितनी भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सकें. इंशाल्लाह जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, हम कोशिश करेंगे कि सारे प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन किया जाए. थैंक यू.